गुजरात विधानसभा चूंटणी ने आचार संहिता पहला राजकोट महानगरपालिका स्टेन्डिंग कमिटी की आज छेल्ली बैठक मळी। स्टेन्डिंग कमिटी में कमिश्नर विभाग तरफ थी मोकलवामां आवेल 109 दरखास्तो अने 6 अर्जंट बिजनेस मळीने कुल 115 दरखास्तो ने मंजूरी आपवामां आवी हती। स्टेन्डिंग कमिटीए कुल ₹79.65 करोड़ की रकम ने मंजूरी आपी छे। सेनेटरी सब इंस्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टंट, टेक्स सहित जगह भर्ती माटे नियमों में फेरफार करवामां आव्या हता। आ उपरांत डीआई पाइपलाइन माटे ₹10.71 करोड़, वोर्ड ऑफिस माटे ₹56.20 लाख, कंपाउंड वॉल माटे ₹95.1 लाख, सीसी रोड माटे ₹35.64 लाख, रस्ता काम माटे ₹40.34 करोड़, पेवर ब्लॉक माटे ₹75.76 लाख, वॉटर वर्क्स माटे ₹9.66 करोड़ की रकम ने मंजूरी आपवामां आवी छे। आज राजकोट महानगरपालिका स्टेन्डिंग कमिटी की बैठक योजाई थी। कुल मिली 109 दरखास्त और 6 अर्जंट बिजनेस एट के कुल 115 दरखास्त पर निर्णय कर आ बधी दरखास्तों ने बहाली आपी है। आश्रे 80 करोड़ करता विकास कामों ने आज स्टेन्डिंग कमिटीए बहाली आपी है। साथोसाथ 20 करोड़ रुपयावकना कहींप कामों इने पण आज स्टेन्डिंगे बहाली है। राजकोट महानगरपालिका अलग अलग सवर्ग जगह जे इंटरनल भर्ती हो 80-20 भर्ती एना अमुक सफाई कामदारों प्रश्न था एना निर्णय कर साथोसाथ जे कहीं पर रहमराय आप कोई चालू नौकरी अवसान पमे सफाई कामदार तो एना मागणी जी आर आर में सुधारा कर आज बड़ी दरखास्तों ने मंजूरी आप कुल मड़ी ने जे कहीं पर डामर काम हो जनभागीदारी काम हो कोई कर्मचारी दवा बिलों ने बड़ी दरखास्तों स्वाभाविक रीति ने आता भविष्य में टूंका गाड़ा में आचार संहिता लागू थवानी है त्यारे राजकोटना विकासना कोई कामों बाकी ना रही जाए इन्हें ध्यान में राखी बधी दरखास्तों मंगाने आ बधी दरखास्तों पर आज निर्णय प्रक्रिया।